प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में 3 महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पहला, गुजरात के किसानों के लिए किसान सर्वोदय योजना। दूसरा, यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर संबंधित कार्डियोलॉजी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल का उद्घाटन। और तीसरा, गिरनार में रोपवे का उद्घाटन किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2021 समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। इससे पहले 2019 गणतंत्र दिवस पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और उनकी पत्नी डॉक्टर सेपो मोसेपे आ चुके हैं। वर्ष 2020 में भारत के मुख्य अतिथि ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो आ चुके हैं। ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और म्यांमार के बीच हाल में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई। हाल ही में जारी स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2020 के अनुसार मिजोरम म्यांमार से मादक पदार्थों की तस्करी के प्रमुख मार्गों में से एक के रूप में उभरा है। म्यांमार से उत्तर पूर्व में सिंथेटिक ड्रग और याबा टैबलेट की तस्करी की जा रही है। यह मुख्य रूप से स्वर्ण त्रिभुज क्षेत्र के कारण होता है, जहाँ थाईलैंड म्यांमार और लाओस की सीमा के क्षेत्र में मेथ का उत्पादन किया जा रहा है। मेथ को थाईलैंड में याबा और बांग्लादेश में बाबा कहा जाता है। हाल ही में रूस में अंगारा A5 हैवी लिफ्ट रॉकेट को लॉन्च किया। 14 दिसंबर AP रूस ने भारी वहन ले जाने में सक्षम रॉकेट अंगारा A5 का दूसरी वर्ष पर परीक्षण किया। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रस कॉसमॉस के प्रमुख दमित्री रोगोजिन ने परीक्षण के बाद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वर्ष 2014 के बाद इसका कामयाब परीक्षण किया गया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यह हमारे अंतरिक्ष रॉकेट उद्योग और रूस के लिए बड़ी कामयाबी है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने वर्ष 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी लगातार दूसरी बार उड़ीसा राज्य को सौंपने की घोषणा की है। यह FIH हॉकी विश्व कप का 15वां संस्करण होगा, जो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन द्वारा आयोजित विश्व चैंपियनशिप है। यह भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना राज्य के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया है। जस्टिस हिमा कोहली का जन्म 2 सितंबर 1959 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने 1979 में दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स हिस्ट्री में डिग्री हासिल की और उसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय कैंपस लॉ सेंटर से वकालत की पढ़ाई की। साल 1959 में हिंद केसरी का किताब जीतने वाले श्रीपति खांचनाले पहलवान का 86 वर्ष की उम्र में कोल्हापुर के एक हॉस्पिटल में निधन हो गया। इसके साथ ही श्रीपति खांचनाले को महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें शिव छत्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया था, जबकि कर्नाटक सरकार ने उन्हें कर्नाटक भूषण पुरस्कार से नवाजा था। गृह मंत्रालय ने हाल ही में सांसद एवं अभिनेता सनी देओल को वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। वाई कैटेगरी की सुरक्षा में 2 PSO निजी सुरक्षा गार्ड और 1 या 2 कमांडो तैनात होते हैं। इसके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG की सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री एवं पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिजनों को दी जाती है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 16 दिसंबर 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी परास्त किया। इसके बाद पूरी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।